जैसे पानी से भरे गुब्बारे में छेद हो जाने से सारा पानी एक ही जगह पर तेजी से बाहर निकलता है, उसी तरह बादल में मौजूद सारा पानी एक ही जगह पर बड़ी तेजी से गिर पड़ता है, जिससे वहां पे मौजूद मिट्टी, पेड़, चट्टान टूट फूट कर बिखर जाते हैं और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। यही घटना क्लाउड बर्स्टिंग यानी बादल का फटना है। मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता यानी पानी लेकर उड़ रहे होते हैं और उनके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो ये अचानक फट पड़ते हैं। भारत की बात करें तो हर साल मानसून के समय नमी को लिए बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं और हिमालय पर्वत रुकावट के रूप में सामने आ जाता है। बादल पहाड़ों में फंस जाते हैं और कोई रास्ता नहीं मिल पाता, वहीं अचानक से बरस जाते हैं और बादल फटने की घटना पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली बरसात 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है। दूसरा कारण, जब कोई गर्म हवा का झोंका ऐसे बादल से टकराता है तब भी इसके फटने के चांसेस रहते हैं। जुलाई 2005 में मुंबई में बादल फटे थे, तब वहां बादल कोई ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकरा गए थे। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बादल फटने की घटनाएं हो चुकी है। वैज्ञानिक बारिश और तूफान का तो पूर्वानुमान लगा लेते हैं, लेकिन बादल फटने वाली घटना का ठीक ठाक पूर्वानुमान लगाना कठिन है, लेकिन डॉपलर रडार इस काम में काफी मददगार साबित होता है। आसमान में उड़ रहे बादलों में हवा के वेग से घर्षण का होना बादल को चार्ज करता है। कुछ बादल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो कुछ में नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले बादल उमड़ते घुमड़ते एक दूसरे के पास आते हैं तो टकरा जाते हैं। इससे हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। चूंकि यह बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए पृथ्वी पर कंडक्टर तलाश करती है जिसके माध्यम से गुजर सके, और कई बार ऊंचे पेड़ या खंभे पर गिर पड़ती है। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है और इसकी क्षमता 300 किलोवाट यानी कि 12.5 करोड़ वाट के आसपास होती है। शुक्र है यह बिजली बहुत ही कम समय के लिए ठहरती है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ आने की घटनाएं ज्यादा होती है। भारत तीन तरफ से समुद्र, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। मौसम चक्र की वजह से पूरे भारत में 3-4 महीने बारिश का मौसम रहता है। इस दौरान समुद्र के कई एरिया में दबाव के क्षेत्र भी बनते हैं, जिससे कई जगहों पर भारी बारिश होती है। कई गुना ज्यादा बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है और यह बाढ़ का रूप ले लेता है। बिजली पैदा करने, सड़क और रेल मार्ग बनाने या कई अन्य कारण से नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इसके कारण नदियों के बहने की गति कम हो जाती है और पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में रेत और गाद लाती हैं। समय समय पर नदियों की सफाई न होने से गाद और रेत नदियों के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं और पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। हालांकि इससे यह फायदा भी है कि यह गाद खेतों में फैलकर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। पेड़ की कटाई, तटीय क्षेत्र में आने वाला तूफान, हिम का पिघलना, जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी, बादल का फटना इत्यादि भी बाढ़ के कारण हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।